सीक्वेंस में बहुत हाई ड्रामा चल रहा है, जिसमें शॉप के नाम का मुद्दा लेकर काफ़ी डिस्कशंस हो रहे हैं, काफ़ी हॉट बिल्कुल डिस्कशंस हो रहे हैं, जिसमें एक तरफ है मैं और मेरी मम्मी और दूसरी तरफ बिल्कुल है सारा भारद्वाज बस परिवार। मैम, जैसे कि पहले आपके हलवाई का नाम दद्दू जी रखा गया था, इस बार नाम चेंज हो गया है, पहली बार ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा? देखिए, नाम में ऐसे मैं मेरा पर्सनल फीलिंग है कि नाम से तो कुछ बिगड़ता नहीं है, नाम कुछ भी हो, लेकिन ये जो बात थी वो मुझे पता नहीं थी। वो मेरी मम्मी का डिसीजन था नाम चेंज करना, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो मेरी तरह थोड़ी ज़िद्दी है। तो मैं तो चाहती थी कि जैसे दद्दू जी हलवाई के नाम से सारे स्वीट शॉप्स की चेन पूरे दिल्ली में है, वैसे एक और शॉप में उनके चेन में ऐड हो, उसका भी नाम दद्दू जी हलवाई ही हो। लेकिन ये जो छोटा सा षड्यंत्र है वो मेरी मम्मी ने रचा है, मेरी मम्मा ने, और उन्होंने अपने मन से बोर्ड पे दद्दू जी हलवाई के बजाय आरव स्वीट्स लिख दिया। आरव मेरे बेटे का नाम है, क्योंकि वो चाहती थी कि दद्दू जी हलवाई थोड़ा बिल्कुल आउटडेटेड नेम उनको लगा, तो उन्होंने अपने मन से उसको बदल के आरव स्वीट्स लिखवा दिया। तो उस चीज़ को लेके इतना हाई ड्रामा परिवार में चल रहा है, जहाँ कि मैंने आपको बताया कि मतलब शुरू में तो मैं मतलब जानती ही नहीं थी कि मतलब ये सब हुआ है, लेकिन जब शॉक लगा जब वो बोर्ड देख के आ रहा स्वीट्स देख के, तो बाद में पता चला कि हाँ ये सब मेरी मम्मी का किया हुआ है। लेकिन देखिए, एक बेटी होने के नाते मुझे ऐसे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है कि मेरी माँ का मैं साइड लूँ, तो अल्टीमेटली मैंने अपनी माँ का ही साइड लिया है, और परिवार से मैं अपनी माँ के परिवार के खिलाफ मैं खड़ी हुई हूँ अपने माँ के लिए। घर पे इस नाम को लेके क्या हलचल घर में मची हुई है? घर में काफ़ी टेंशन भरा माहौल है, और सारे परिवार वाले जो है वो मुझे ताने कस रहे हैं और खरी खोटी सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा तुमसे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी, और मेरी मम्मी को भी सीधे मुंह कह दिया कि आप इस घर से चले जाइए, अभी काफ़ी दिन हो गया आप यहाँ पे ठहरे हो अपनी बेटी के, आपका इधर ज़्यादा दिन तक रुकना ठीक बात नहीं है। तो ये बात मुझे ज़रा चुभी, तो इसके लिए मतलब जब मैं अपनी मम्मी को रोकने गई तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी मम्मी भी सही है, वो पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो उनके नाती के लिए किया है। तो इस वजह से मतलब मेरे मन में जो मतलब भड़ास निकली परिवार वालों के लिए, वो बहुत मतलब वो देखने लायक है। आप आगे का एपिसोड ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे क्या ट्विस्ट आने वाला है सीन में? वो आप खुद देख लीजिए क्या ट्विस्ट आने वाला है, अगर मैं सारी चीज़ें बता दूंगी तो फिर मज़ा क्या बोलो रह बहुत जाएगा। पर अच्छा, जाओ। आपने दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि परी का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह नेगेटिव नहीं है, इसलिए आप मुझे प्यार प्यार देते रहिए इसी तरह, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कहीं किसी ना किसी के भड़कावे में आते रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी बहू हूँ माता जी की, और बेसिकली मेरे मन में मेरे परिवार वालों के लिए बहुत प्यार है, लेकिन उसी तरह मेरे मन में मेरे मम्मी के लिए भी बहुत प्यार है। तो क्या होता है कि अपनी माँ के लिए वो प्यार कहीं ना कहीं परिवार वालों के प्यार के ऊपर हावी हो जाता है। तो दर्शकों से मैं ये कहूँगी कि आप इसी तरह ससुराल सिमर का देखते रहिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। आपने पढ़ी, आपने कहा कि आपकी माँ ने षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्र एक वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इस षड्यंत्र के पीछे क्या राज हो सकता मैंने है कहा आपकी माँ छोटा सा षड्यंत्र। तो ये षड्यंत्र का मतलब क्या हो सकता है कि देखिए, अभी फ़िलहाल तो मतलब इतना सीरियस कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि सिर्फ नाम ही बदला गया है, तो उसे हम एक्चुअली षड्यंत्र नहीं कह सकते। ये आपने वर्ड यूज किया था यूज़ किया था मैंने, लेकिन वो मेरी स्टाइल है बोलने की। उनकी एक्चुअली उनका ये षड्यंत्र नहीं है, उनका ये एक प्यार है अपने नाती के लिए। तो वो चाहती थी कि मतलब दद्दू जी एक बहुत ही आउटडेटेड नेम है, तो उसको बदल के उन्होंने आरव स्वीट्स कर दिया। अभी आगे आप देखिए कि वो क्या क्या बदलना चाहती है मेरी लाइफ में। इसकी दत्तू जी हमारे लिए सिर्फ नाम नहीं है, हमारे परिवार की, हमारे कारोबार की पहचान है। पहचान कभी नहीं होती जाने की समझ। बिल्कुल, और पेड़ की मजबूती उसकी जड़ से होती है। ये बात समझने वाले तो समझ गए, मरे ना समझे वो अनाड़ी है। नाम बदलने से पहचान थोड़ी बदल जाती है। आरव और सभी लोगों की बात तो जैसे वो दद्दू जी के नाम पर इतना विश्वास करते हैं, ऐसे आरव पर भी करें।
ज्यादा जुड़ेगी। माफ कीजिएगा, नाम बदलकर मैंने आपके बिजनेस को बढ़ाया है, कम नहीं किया है।